अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल और अजमेर महानगर की ओर से जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करते हुए प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। इस ज्ञापन के माध्यम से तबलीगी जमात दारुल और उलम देवबंद पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है, साथ ही पीएफआई पर कार्यवाही की मांग की गई है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल के पदाधिकारियों का कहना है कि यह संगठन आतंकवाद को बढ़ावा देने के साथ ही इस्लामिक कट्टरवाद को बढ़ावा दे रहा है और ऐसे में यह देश के लिए घातक साबित हो रहा है। ऐसे संगठन पर कई अन्य देशों में भी प्रतिबंध लगाए गए हैं, ऐसे में भारत सरकार भी इस पर प्रतिबंध लगाए। इस मांग को लेकर आज ज्ञापन सौंपा गया है। तबलीगी जमात दारुल देवबंद पर प्रतिबंध लगाने को लेकर हमने आज ज्ञापन सौंपा है कलेक्टर साहब को प्रधानमंत्री जी के नाम। हमारी ये मांग है कि पूर्ण भारत में इस तबलीगी जमात पर प्रतिबंध लगाया जाए और यह जो जमात है इस आतंकवाद एवं कट्टरता को बढ़ावा देती है और इस्लामिक राष्ट्रों में सऊदी अरब ने इसको पूर्ण रूप से बैन लगा दिया है और हम भी चाहते हैं कि भारतवर्ष में भी इस पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया जाए। आप किसके नाम ज्ञापन सौंपा? हमने प्रधानमंत्री जी के नाम ज्ञापन दिया है कलेक्टर साहब को। आपका नाम? ललित शर्मा, राष्ट्रीय बजरंग दल जिलाध्यक्ष अजमेर।